नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं जॉब करते हैं और वहां पर आपके मैसेज और नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो इस तरीके के नोटिफिकेशन को बंद कैसे करना है कि आपके जो है 7 बजे से 10 बजे तक मैसेज जो है बंद रहे। तो इस तरीके की सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पर आ जाना होगा। अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऊपर दिखाई देगा 3 लाइनिंग। अब आपको 3 लाइनिंग पर भी क्लिक करना है। अब इसमें आपको दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। अब आपको इस सेटिंग एंड प्राइवेसी पर भी क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको सामने लिखा होगा नोटिफिकेशन। अब आपको इस नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना होगा। इसमें यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्यूट मोड। अब आपको जो है क्यूट मोड का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, क्योंकि क्यूट मोड में आपको जो है सेटिंग छिपी हुई है। तो इसको आपको जो है ऑफ है, तो आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। अब आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा टर्न ऑन ऑटोमेटिकली, यानी कि जो टाइमिंग है आपकी वो आपको सेट करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे टाइमिंग जो है सेट कर लेता हूँ सुबह की 7 बजे की या 9 बजे की। जैसे मैं यहाँ पे जो है 9 बजे सेट कर लेता हूँ। टाइमिंग आपको भी सेट करनी है अपने हिसाब से, जिस टाइम आप बिजी रहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 10 बजे सेट कर लिया है। आपको जो है कब तक करनी है नोटिफिकेशन बंद, यानी कि आपकी नोटिफिकेशन है और कब तक बंद करनी है। तो मैं जैसे मुझे करनी है 5 बजे तक, तो मैं यहाँ पे जो है 5 बजे सेट कर देता हूँ और PM सेट करके यहाँ पे डन कर देता हूँ। इसके बाद मेरा जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब जो मुझे मैसेज जो है डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे ऑफिस टाइम में, वो अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसको ऑफ करना, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ऑन वाले पर ऑफ कर देना है। यानी कि ऑन जो हो रहा है इस पर क्लिक करके, जैसे यहाँ पे लिखा आएगा टर्न ऑफ क्यूट मोड, तो उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे टर्न ऑफ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको जो टाइमिंग है वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जो आपका ऑन था वो आपका ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आपको जो मैसेज है वो बराबर ही जैसे आ रहे थे वो वैसे आते रहेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको मैसेज बंद करने हैं, तो उसको आपको ऑन करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैसेज बराबर आते रहे, तो उसको आपको ऑफ करना होगा। आई होप अब आपको जो समझ में आ गया होगा क्यूट मोड क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।